दोस्तों मैं हूं कार्तिक का अकाउंट्स टीचर और आज देखिए कार्तिक जी की हालत कैसी हो रखी है। सुबह से पढ़ रहे हैं और बैंड बजी पड़ी है इनकी, क्योंकि सुबह से 3 बुक इन्होंने सॉल्व करी है और अभी भी इनको कंफ्यूजन है। सर कंफ्यूजन क्या है? कुछ नहीं आता मुझे, क्या आता है मुझे इस बात पर कंफ्यूजन है। सी द हार्ड वर्क एंड रेगुलर प्रैक्टिस इज मस्ट इन द अकाउंटेंसी। सर इंग्लिश मत बोलो सर। तो दोस्तों मजाक से हटके अगर मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मेरे को बहुत अच्छे से अकाउंटेंसी पढ़ा रखी है। बस दिक्कत की बात ये है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है दोस्तों। वो क्या है, मैं थोड़ा सा बिजी पर्सन हूं ना, तो मैं थोड़ा सा बिजी रहता था, तो मैं बिजी रहता रहता आज अकाउंटेंसी का पेपर आ गया और मेरे जो है तोते उड़ चुके हैं। और ये ऐसा पेपर है जिसके अंदर मेरे को भगवान भी नहीं बचा सकता, बाकी पेपरों में तो भगवान ने बचा लिया, अब इसमें कैसे बचाएंगे भगवान, आप बताओ। भगवान बचा लेंगे अगर आज रात को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। और नंबर चाहे कैसे भी हैं सर, अच्छे हैं या बुरे हैं, पार्टी में दबा के करूंगा बिल्कुल, सारे दोस्तों के साथ मिलके बढ़िया क्लब क्लब जाएंगे, बिल्कुल नाइट आउट कर देंगे मस्त वाला एकदम। सर के जाने के बाद में मेरे को बहुत तेज नींद आ गई थी, अभी जस्ट मेरी नींद खुली है, अभी जो है शाम के अभी 8 बज रहे हैं, रात ही हो गई एक तरह से। और मेरे भाई चित्रांश का मेरे पास जस्ट फोन आया था कि भाई यार मेरे को पिक करने आ जा, मैंने कहा उसको सुबह बुलाया था और वो आया नहीं है अभी तक। उसने बोला कि भाई मेरे को पिक करने आ जा कि बाहर बारिश चालू हो गई है और मैं स्कूटी पे आ नहीं पाऊंगा। तो बस अब तुरंत उठते हैं, तैयार होते हैं और फिर चित्रांश को लेके आते हैं मेरे घर पे, फिर हम दोनों भाई बैठ के अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बाकी दोस्तों मान्य तो गद्दारी कर रहा है यार, मान्य बेकार आदमी हो गया है आजकल, मान्य छोरीबाजी कुछ ज्यादा ही करने लग गया है। थोड़ा सा मान्य ने मेरे नंबर वंबर भी लीक कर दिए थे पिछले व्लॉग में, मैंने आपको बताया था। आजकल मान्य मेरी थोड़ी बुराई भी कर रहा है लड़कियों को, तो बहुत गलत बात है ये। मान्य को थोड़ा एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद में समझाएंगे, अभी तो लास्ट पेपर है, बस पेपर खत्म हो उसके बाद में मान्य को ढंग से समझाएंगे कि भाई भाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी लड़की के चक्कर में, चाहे लड़की को छोड़ दो भाइयों के लिए, क्योंकि हमेशा काम भाई ही आते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको ये बात बताई थी और ये चीज मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि अपना भाईचारा कभी भी जो है खत्म नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की के चक्कर में। तो अभी तो मैं तुरंत जाता हूँ अपने भाई चित्रांश को, उसके घर से ले आते हैं और फिर हम लोग बैठ के पूरी रात पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर मेरे को बहुत कम आता है। और आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया एडिट्स बनाए वो हैंडसम कार्तिक के ऊपर, रियली थैंक यू आप सब लोगों को। नीचे मैं उन एडिट्स को जो है डाल दूंगा और साथ में आपके भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं जिस स्पीड से अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा अपन लोग दो प्लेटफॉर्म से कनेक्ट रहेंगे तो ज्यादा सही है। जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों को याद है कि जब चैनल हैक हुआ था उस समय काफी सारे फॉलोअर्स बढ़ गए थे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उस समय यूट्यूब पे तो वीडियो आ नहीं रही थी, तो मैं अपडेट्स इंस्टा पे डाला करता। अब मैं तुरंत रेडी हो जाता हूँ, अपन चित्रांशु लेके आ जाते हैं। वैसे रेडी क्या होना है, बस साइड में कपड़े पड़े हुए हैं, इनको पहन लेता हूँ और फिर तुरंत निकलते हैं। दोस्तों मेरे को आज तक जिंदगी में एक चीज समझ नहीं आई, ये जैसी थोड़ी सी बारिश चालू क्या हो जाती है पूरा रोड पे वो ट्रैफिक लग जाता है यार, क्या कारण है इसका? मतलब क्या बारिश होती सब लोग घर के बाहर निकल, ये क्या आवाज आ रही है? ये शायद ये जो बाहर अपना पोस्टर लगा है ना, इस चक्कर के अंदर आ रही है आवाज, एक बार से बंद कर देते हैं। अब अपन लोग चलते हैं जल्दी से चित्रांश को उठा लेते हैं, उसके बाद में व्लॉगिंग को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करते हैं मेरे को व्लॉग करने में हमेशा दिक्कत आती है। कोई नहीं दोस्तों, धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं देखता हूँ यार बड़े बड़े व्लॉगर्स जो है गाड़ी ड्राइव करते हैं व्लॉगिंग करते हैं, तो मैं भी धीरे धीरे उनकी तरह ट्राई करूंगा। अभी मेरे को नहीं आता है तो फिर अपन लोग जो है फालतू के अंदर क्यों रिस्क लें। तो अभी मैं व्लॉगिंग को बंद करता हूँ जल्दी से और अपन लोग चित्रांश को उठाते हैं, उसके बाद में व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने हमारे भाई चित्रांश को पकड़ लिया है और अब चित्रांश को हम लोग भागने नहीं देंगे। भाई क्यों लेके आया हूँ आज मैं तेरे को, सारी जनता को बता दे। भाई अपन आज रात को बिल्कुल पूरी तरीके से अपने अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मंदिर भी जाएंगे। तो अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं और कुछ कुछ बातें आपको बतानी है, बहुत सीक्रेट बातें हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे अभी रात के अंदर धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आपको कुछ बताएंगे, फिर पढ़ेंगे कुछ बताएंगे, और फिर सुबह एग्जाम देने के बाद में कैसे नंबर आएंगे वो भी बताएंगे। बताएंगे क्या, वो तो हमारी शक्ल बता देंगे, शक्ल बता देंगे। यहाँ तो इसकी शक्ल जाए ऐसी खिलेगी, हाँ या बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। कैसे जाएगी? कैसी ऐसी? ऐसे तो तू वो बनने की कोशिश कर रहा है, स्मार्ट सेक्सी लौंडा, लोग फोटो ऐसे तो डालते हैं। हाँ, मैं कहाँ स्मार्ट हूँ, तू स्मार्ट नहीं है भाई। सही कह रहा है, सही कह रहा है, आई टोटली एग्री विद। तो चलो ऊपर चलते हैं। अगर कल मैं अच्छे नंबर से पास हो जाता हूँ और अगर अच्छों से भी नहीं होता हूँ या फिर फेल भी हो जाता हूँ या कुछ भी हो जाए, पार्टी हम लोग दबा के करेंगे, हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, चाहे कितने भी नंबर आए। देखो सीधी सी बात है, फेल तो मैं नहीं हो सकता, फेल तो कोई नहीं होगा भाई अपनों में से, हो तो नहीं सकता मैं। देखो सीधी सी बात, मैंने पूरे साल पढ़ाई करी है, ये जो इतनी किताबें दिख रही है ये सारी मैंने एक एक बार तो चार्ट ही रखी है पूरे साल के अंदर, तो अब ढंग से इसको जो है पढ़ने का समय आ गया है रात को बैठ के। हमारा एक दोस्त है नमन चौधरी, वो जो है एनडीए के अंदर सिलेक्ट हो गया है, तो हमारे भाई को सैल्यूट सबसे पहले। तो हमारा भाई जो है जल्दी से भी जो है 2-3 साल की अपनी ट्रेनिंग करके पोस्टिंग पे लग जाएगा, तो फिर उन लोगों के ट्रांसफर वगैरह होते रहते हैं, तो फिर जहां जहां पे भी उसका ट्रांसफर होगा हम लोग उससे मिलने जाया करेंगे। तो काफी ज्यादा फ्यूचर का सोच रहा हूं मैं तो, कि देख भाई हमें हर जगह पे बुलाना है, जहां जहां पे भी तेरी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। बोल रहा था कि भाई मेरी तो फेवरेट जगह लेह लद्दाख है, वहां पे ट्रांसफर हो जाता है तो बढ़िया, वहां पे भी आना तुम लोग। तो इस बहाने हम लोग लेह लद्दाख भी घूमेंगे,
हाँ बाकी ये सब तो 3-4 साल के बाद की बात है, अभी तो उसकी ट्रेनिंग चलेगी एनडीए के अंदर बहुत बढ़िया वाली, तो वो सारी डिटेल अपन उससे ही पूछेंगे कल। तो इस बात की जो है वो हमें पार्टी दे रहा है क्लब के अंदर, तो हम 3-4 दोस्तों को जो है क्लब भी लेके जाएगा, बाकी मेरे सारे दोस्तों को मैं खाने पीने का जो है प्रोग्राम रखूंगा कल शाम का। तो ये सारी चीजें भी आपको इसी ब्लॉग के अंदर देखने को मिलेगी। तो अभी जो है हम लोग कल के खाने पीने की प्रोग्राम की बाद में सोचेंगे, पहले हम लोग अभी जाके खाना खा लेते हैं, उसके बाद में सर से हम लोग पढ़ाई करेंगे यूट्यूब पे बैठ के, और उसके बाद में हम लोग जो है ये सैंपल वर्ड्स करते हैं, ठीक है। और फिर जो मेन चीज है जो आपको पता ही है ब्रह्मास्त्र, वो तो अपने को सुबह उठ के जाने ही पड़ेगा, उठ के क्या जाना है, सोएंगे ही नहीं आज तो, ठीक है। भगवान जी के पास एक बार जाएंगे, बोलेंगे भगवान जी प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खाना लग गया है हम दोनों भाइयों के लिए यहाँ पे, और जब तक हम लोग खाने को एंजॉय कर रहे हैं, जब तक हम लोग चाहते हैं आप लोग भी कुछ एंजॉय करें। तो दोस्तों ये है एक्सक्लूसिव स्क्रीनशॉट्स हमारे भाई मान्य के, तो ये स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ वीडियो में डालने से पहले जो है लड़की से परमिशन लिए कि क्या मैं इनको अपनी वीडियो के अंदर लगा सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मान्य क्या गंदी अश्लील हरकतें कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए थोड़ा भटक गया है। कोई बात नहीं, अपना भाई जो है छोटा बच्चा है, अभी उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पढ़ाई करने से जस्ट पहले हम लोगों को एक बल्लू भाई का बहुत बढ़िया सा मैसेज आ गया है, जिसके अंदर इसने सारे दुनिया भर के भगवानों का जो है हम लोगों को आशीर्वाद भेज दिया है एक साथ ही। और बल्लू ने लिख दिया है गुड नाइट आई एम डन, लगता है बल्लू भाई की पढ़ाई कम्प्लीट हो गई है और बल्लू सो गया है रात को 12 बजे ही। तो अब समय आ गया है रजित अरोड़ा सर की जो है वीडियो देखने का। लेट्स बिगिन। आ जाओ परविंदर जल्दी चलो, ये रजत सर ने क्या पढ़ाया है देखते जरा आज पेपर के अंदर। तो दोस्तों पढ़ाई के चक्कर में आज थोड़ा सा लेट हो गया है, मंदिर जाएंगे तो बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। हम लोग आंखें बंद करके अभी भगवान को याद कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा जाए, मंदिर तो हम नहीं जा पाएंगे और अपन लोग तुरंत चलते हैं एग्जामिनेशन हॉल। तो दोस्तों मैं फाइनली एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गया हूं और मेरे भाई चित्रांश को पूरा पूरा शक है कि हम हारेंगे कि जीतेंगे, हमारी हार जीत जो है हमारे पास और फेल होने से डिपेंड करेगी। 1 2 3 जय भोलेनाथ। चलो अपन लोग चलते हैं, पेपर लिख के आते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं हमारा पेपर कैसा गया। तो दोस्तों हम लोग पेपर लिख के वापस आ गए और आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक ही आदमी आपको लग रहा होगा एकदम खुशहाल, वो है अपना भाई दर्शिल। दर्शिल के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं आज, बाकी मेरे सारे दोस्त जो है इधर उधर फोन लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पछाटे खा रहे हैं क्योंकि इन लोगों के नंबर आज अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम सारे के सारे भाई अपनी अपनी स्कूटियां और गाड़ियां लेके जा रहे हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पे मोटी डूंगरी मंदिर बहुत ज्यादा पास में है, तो हम मंदिर में जाके हम लोग भगवान से सिफारिश करेंगे कि हम लोगों को पास करा दे, और अगर हम लोग पास हो जाते हैं तो जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा उस दिन तो पार्टी करेंगे करेंगे। और अभी आज तो देखो पार्टी करना बनता है क्योंकि आज हमारे पेपर खत्म हुए, पूरे साल भर की हमारी मेहनत जो है आज हमने जो है एक बार में झोंक दी है, और अब हम लोग जो है बढ़िया पार्टी वार्टी करेंगे। कल हम लोग निकल रहे हैं ट्रिप पे, और इस बार ट्रिप पे हमारे साथ नमन जा ही रहा है, मैंने आपको बता ही दिया था कल बता दिया था, आज फिर से बता दिया है और 2-3 बार और बता दूंगा जब तक ये निकल नहीं जाएगा हमारे साथ ट्रिप पे। भाई कैसा लग रहा है तेरे को, तेरी फर्स्ट ट्रिप है दोस्तों के साथ? हाँ भाई फर्स्ट ट्रिप ही मान ले भाई, बहुत शानदार लग रहा है, और फिर अब पूरी ट्रिप पे मजे करेंगे अपन दोनों। देख सकते हैं आप लोग कैसे कड़क आवाज करके बोल रहे हैं जान बूझ के, ताकि सारी लड़कियां जो है ओहो अरे भाई भाई ओ अच्छी आवाज है आपकी, ऐसे कमेंट करते हैं। नॉर्मल आवाज है भाई। अच्छा नॉर्मल आवाज है तेरी। हाँ भाई। चलो ठीक है अपन मंदिर चलते हैं फिर बात करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा भाई नमन जो है यहाँ पे प्रसाद खरीद रहे हैं। भाई तेरे एग्जाम तो पहले खत्म हो गए थे ना? हाँ भाई। तो दोस्तों देख रहे हो 7 बज गए हैं और ये अभी भी सो रहे हैं, मैं तो घर जाके तैयार होके भी आ गया हूँ तो अभी भी सो रहे हैं। मानना भी आ चुका है यहाँ पे, आओ चल भाई मानना इसको, इनको उठाते हैं। कार्तिके कार्तिके 7 बज गए यार, उठ जाओ कार्तिके, लेट हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या तेरी? नहीं तो ज्यादा नाटक कर रहा है आजकल तू, जो तेरे को मना कर दिया एक बार छोरीबाजी नहीं करनी फिर क्यों कर रहा है? क्या एटीट्यूड किसको दिखा रहा है ये? मैं तेरे को ढंग से भाई? नहीं ढंग से कर गया। पहले माफी मांग। सॉरी तूने जो मेरी और बल्लू की जो तूने शिकायत करी है ना उस लड़की जो तू बुराइयां कर रहा है हमारी, मेरे को बहुत ढंग से समझ आ रहा है सब कुछ मानने। क्या क्या ठीक है? क्या तूने जो है उस लड़की को मेरा नंबर कैसे दिया? साला मेरे मम्मी मेरे पापा और मेरा सबका नंबर जा चुका है उस लड़की के पास में। जानबूझ के नहीं दिया तो कैसे दिया? कैसे क्या बताइयो? गलती से कैसे जाता है दिखा बता मुझे। तो दिख गया गलती से उसको? क्या कैसे दिखा बता? तो दिखाया उसके देख नंबर ये रहा उसका। फिर कैसे दिखा? पढ़ा था आगे का सामने दिख गया उसको। है तू लड़की मेरे कमरे में आई थी देखने? वीडियो कॉल पे था उसको। तो वीडियो कॉल में था तो क्या उसे खुद दिख गया? तूने दिखाया ना आईडी कार्ड? तुम्हें नंबर ले ली तेरा वो? नहीं तो तेरे को तो कुछ भी नहीं पता ना, तू तो कुछ भी नहीं जानेगा।
लेकिन तू तो नुकसान तो करा देगा ना उस लड़की का, इस नंबर पहुंच गया तू कितनी लड़कियों को नंबर देता, तो दिन में 10 लड़कियों से बात करता है, बदतमीज इतना हो रखा है। ये चैट अटैच करी है मैंने यहाँ पे दोस्तों, देख लो ये क्या अश्लील बातें कर रहे हैं लड़कियों से। तू उस लड़की को क्या मैसेज कर रहा है स्टोरी पे, यू लुक सो ब्यूटीफुल, ये वो, क्या बदतमीज ये। नहीं नहीं नहीं, सब्सक्राइबर्स है ना अपने, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तेरी पर्सनल दोस्त है फिर कैसे कर रहा है तू ये, मतलब तेरे को सब्सक्राइबर फॉलो करी तू ऐसे मैसेज लिखेगा। नहीं करूंगा, नहीं मैं तेरे को मानने, तू करे नहीं करे मेरे को नहीं पता, मैं तेरे को ढंग से समझा रहा हूँ। आखिरी वार्निंग है, अगर तेरे को हमसे दोस्ती रखनी है ना तो ये छोरीबाजी छोड़ दे ढंग से, ठीक है? क्योंकि अब तूने अगर आज के जिंदगी में करी ना तो मेरा नाम भूल जाएगी, फिर मेरा नाम मत लियो, फिर तू जाके इन छोरी के साथ ही बैठी हो। ये बाप बता, तूने उसको क्या बोला, तू मेरे घर पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरे घर पर पढ़ाई नहीं होती, मैं पढ़ने नहीं देता तेरे को, मैं साला तेरे को पढ़ा नहीं रहा था, पढ़ा रहा था तो तूने झूठ कैसे बोला उसको, झूठ बोला क्यों बोला, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या झूठ बोला क्यों बोला, मेरी बदनामी हो रही है ना, तेरी कोई गर्लफ्रेंड लग रही है क्या वो। जब तक सुन मेरी बात, जब तक खुद में काबिलियत नहीं हो ना, और जब तुम खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, खुद का पैसा नहीं कमा रहे हो, एक सही उम्र में नहीं हो, जब तक इन चीजों के अंदर पढ़ना नहीं चाहिए। अभी तेरी उम्र क्या है साले, गर्लफ्रेंडों के चक्कर के अंदर पड़ रहा है, करेगा आज कल नहीं। अभी पापा के इलेक्शन आ रहे हैं 6 महीने, मेरे को बिल्कुल ही छोरीबाजी नहीं चाहिए, कॉलेज वॉलेज कर ले ढंग से, उसके बाद में जब तू हो जाए ना सेल्फ सफिशिएंट, पैसा वैसा कमाए उसके बाद में करना, ठीक है? तो ये मुंह तो बहुत अच्छे से ला देता है, लेकिन फिर तू मानता नहीं है। मान लूंगा, अगर आज क्या तूने किया तो देख लियो, ठीक है? अभी की अभी सारी लड़कियों को हटाएगा तू इंस्टाग्राम की फॉलोइंग से, ठीक है? करेगा आज क्या? नहीं सॉरी। चल ठीक है भाई, ये यार तू मेरा यार मत करा कर यार। तो दोस्तों मैंने मान्य को बहुत ढंग से समझा दिया है, अब से लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा सा रास्ता भटक गया था, लेकिन अपना भाई बहुत प्यारा भाई है अपना, अब से जो है रास्ता नहीं भटकेगा। मैं मान्य और परविंदर को तो मेरे पापा के ऑफिस भेज रहा हूँ स्कूटी से, फिर मैं भोकाली बल्लू और अपना भाई नमन हम सब लोग आएंगे गाड़ी से, ठीक है? स्कूटी से इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इतने सारे लोग जो है गाड़ी में फिट नहीं आएंगे, फिर दूसरा मान्य को अकेले नहीं भेजना चाह रहा था, इसलिए इसके साथ में परविंदर को भेज रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारा भोकाली बल्लू जो है नमन से लड़ाई कर रहा है, नमन द आर्मी बॉय से लड़ाई कर रहा है बल्लू। तो भाई जैसे कि आपको पता है हमारे पेपर वेपर तो इनके खत्म हो गए, तो भाई बोलते हैं आज चलते पार्टी करने, थोड़ा चिल आउट करने। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी हम पहले जाएंगे अपने दर्शिल भाई को लेने, फिर जाएंगे कार्यालय और फिर जाएंगे SFS। नहीं बल्लू एक बात बता, हमारे पेपर खत्म हो गए बोल रहे, तो तेरे पेपरों का क्या मामला चल रहा है? भाई मेरे पेपरों का सीन कुछ ऐसा है, मेरा एक पेपर बचा है वो 5 तारीख को है साइकोलॉजी का। कल हम लोग जो है ट्रिप पे निकल रहे हैं, तो वहाँ ट्रिप पे बल्लू नहीं जा पा रहा है इसके पेपर के चक्कर के अंदर, ना मैं जा पा रहा हूँ ना अयान जा पा रहा है। और दोस्तों मेरे क्या है, अभी जस्ट मैं सोके उठा था तो बाल एकदम बिगड़े हुए थे और मैं नहाने का टाइम भी नहीं था अभी, तो आप लोग बताइए जरा ये टोपी मेरे पे कैसे लग रही है, कैप अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, आप कमेंट डाउन करके जरूर बताएं। बल्लू कैसे लग रही है सर बताते? भाई एक नंबर लग रही है, तेरा लुक बढ़िया लग रहा है, सिंपल मिला लग रहा है क्या? दोस्तों अगर ये अच्छी लग रही है ना तो थोड़ा सा फिर मैं इसको रेगुलर पहनना चालू करूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से कमेंट में सच सच बताना एकदम। कार्तिक भाई पी रहे पानी, ऊपर से पी के आना भूल गए भाई, मतलब पानी वानी मतलब भूल के जाता है तू पीना, तो पानी छोड़ तू कहाँ जा रहे हैं बताना यार। अब भाई आपको जैसे ऊपर बताया था, अभी अपन SFS निकल रहे हैं, SFS से पहले जाएंगे अपन दर्शिल को लेने, दर्शिल के फोन आ चुके 10-15, वो चिल्ला रहा है और बिना देर करे हम निकलते हैं दर्शिल भाई को अपने लेने। तो दोस्तों मैं आपसे एक और चीज कहना चाह रहा था कि दोस्तों हमारे जो है सिर्फ 400 सब्सक्राइबर और बचे हैं, उसके बाद में अपने कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे बल्लू बताइए जरा सब। भाई अपने हो जाएंगे 40K, 40,000 सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी से आप लोग 400 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए इस व्लॉग पे, मेरे को पता है अच्छे खासे व्यूज आएंगे, तो आप लोगों को जो है जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा देना है ताकि अपने सब्सक्राइबर बढ़ जाए और अपन लोग जो है सेलिब्रेशन करें 40,000 सब्सक्राइबर्स का। चलो चलो यार दर्शिल का घर आ गया, दर्शिल से बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं दोनों भोकाली दोस्त आपको भोकाली मजे दिलवाने के लिए, अभी हम जा रहे हैं अपने आंगनेर पुष्पेंद्र भारद्वाज ऑफिस। और दोस्तों वो समय आखिरकार आ गया है हमारी जिंदगी का जब हम लोग फुल फ्लेज एकदम पापा के साथ में लगने वाले हैं पॉलिटिक्स के अंदर और पापा का दबा प्रचार करेंगे इस बार, और पापा को कैसे भी करके एमएलए का इलेक्शन जितवाना है। तो सब लोग बेस्ट ऑफ लक जरूर लिखे कमेंट के अंदर मेरे पापा को, क्योंकि आने वाले 6 महीने बहुत ज्यादा मेहनत में बीतने वाले हैं। और अब फटाफट 100K कर दो, 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कर दो, जिसके बाद हम सब फटाफट वैष्णो देवी जाए और खूब सारा क्या जनता का प्यार कमा पाए। ओ साथ में मीटअप भी तो रखना है। दर्शन मीटअप मेरे को समझ नहीं आ रहा है 50K पे रखूं। नहीं नहीं, अब मीटअप के लिए हमारी टर्म्स एंड कंडीशन यही है, जब तक 100K नहीं होंगे नो मीटअप। अच्छा ऐसा है क्या? 100K होते ही उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन मीटअप। चल ठीक है फिर डन। अब सब अपने एम रखेंगे इतने लाइक और इतने कमेंट्स, उससे क्या होगा तभी एल्गोरिथम वैसे बढ़िया बैठेगा, तभी ब्लॉग चलेगा और तभी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। चल इस वाले ब्लॉग में कुछ भी मत कर मेरा। नहीं नहीं, मेरा ये मानना शुरुआत आज से ही करनी चाहिए अपन को। अच्छा, और इस वीडियो में अपना एम है 5,000 लाइक। बहुत है यार, लेकिन 5,000 ज्यादा नहीं है।
और 1000 कमेंट्स। अगर तुम हमें दिल से चाहते हो तुम इतना पक्का करोगे हमारे लिए 5000 लाइक और 1000 कमेंट फटाफट हो जाने चाहिए इस ब्लॉग पे। अबे तू हम क्या कर रहा है भाई, अगर आप दर्शिल को चाहते हो तो कर दो यार। हम क्या, अपन सभी आते हैं उसमें यार, अपने चैनल मतलब अपने यार, फिर भी नहीं मतलब दर्शिल ये क्या सिर्फ लड़कियों के लाइक चाह रहा है, ये गंदा आदमी नहीं। सही बोल रहा हूं। अब क्या तुम लोगों को मौका चाहिए था, अब मेरी बात है तुम्हें मौका मिल गया, अब तुम मेरी बातों को घुमा फिरा के लड़कियों पे घुसाना चाह रहे हो। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा ही है। चलो फालतू बात छोड़ो, अब हम जा रहे हैं कार्यालय, वहाँ पे अपने भोपे और मान्य भी है, और वहाँ पे अपना जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड हमारे लिए एक आर्टिस्ट आया हमसे मिलने। नहीं, मैंने बता दिया सिंगर आया हुआ है। बता दिया सिंगर भी बोला अच्छा, क्या हो गया? लोग समझ गए ना, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या आने वाला है, लोगों को सरप्राइज देना है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। हिंट है, अभी भी हिंट है लोगों को, जो है जो उनका दिमाग वहाँ तो पहुंचेगा ही नहीं, सच बता रहा हूँ, जो अपन करने वाले ना वो सोच ही नहीं सकते अभी फिलहाल। चलो कोई बात नहीं, ऑफिस चलते हैं, वहाँ पहुँच के बताते हैं। और एक मेन चीज इनको ये तो बता दे कि अब से व्लॉगिंग रेगुलर होने वाली है। यस यस यस, अब से फ्रॉम 1st of April 2023 एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब व्लॉग ना आए, जब तक तो कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं होती। एवरी डे हर दिन व्लॉग आएगा, भोगाली व्लॉग आएगा और बहुत सारा मजा आएगा। दोस्तों अभी हमने एक बहुत ही वीवीआईपी सिंगर के साथ में मीटिंग करी थी, आपने देखा था सिनेमैटिक, लेकिन अब मिल गए हमको वीवीआईपी जो है ना बहुत बड़ा वाला सिंगर। या वो गाना गा के सुनाएंगे, जल्दी आओ, गाना गाओ। कौन सा गाना गाओ? वो वाला जो आपने उस फिल्म में गाया था, जो पुराने पिक्चर में गाया था, पुराने पिक्चर में जो गाने गाते हैं ना लोग, अच्छा आपने गाया था प्यार मोहब्बत वाला, अरे आप प्यार वाला टिंकू जिया, टिंकू जिया तेरी कटिंग करवा ले हो जाएगा। जन जन का स्वाभिमान है, जन सेवक ही पहचान है। दोस्तों एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, आज हमारे प्यारे भोपे ने हमें इतिहास, जो है इतिहास, यस भोपे ने आज इतिहास रच दिया है। भोपे पैसे देगा दोस्तों, इसने 500 में से 300 रुपए चुकाने का आज जो है इरादा कर लिया है। भैया ये 300 रुपए लीजिए, अभी लोअर कर लोगे मतलब भोपे 300 देने में भी मतलब इतना खाली है, मतलब इतना खाली और सत्यानाश, एक नंबर का कंजूस आदमी है। बस 200 रुपए और चुकाने हैं, उसके बाद में इसको चिढ़ाना पड़ेगा। 200 तो उससे हम ट्रिप पे ले लेंगे दोस्तों, अब स्पैम कर दो भोपे, 200 रुपए भी दे दे। 100 रुपए मेरे ही थे, अभी बताया इसने मेरे को, तेरे थे क्या? हां मम्मी कसम इसको खुद को ध्यान नहीं है, इसको खुद को ध्यान नहीं, इसकी गलती है ना, खुद को ध्यान नहीं है। मतलब 300 नहीं, इसने 200 दिए, 300 बाकी, तो 300 बाकी, अब लिखो 300 बाकी। चलानी नहीं आती, अच्छा है टी बेटा, नहीं आती। ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, क्यों लड़ाई हो गई? मैंने बोला क्या? मैं सड़क पे मत लड़ो, मैं वीडियो बना रहा हूं। गाड़ी आ रही है, चलो। तो दोस्तों काफी लंबे समय के बाद में फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं शर्ट को वापस पहनने वाला हूँ, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं क्लब के अंदर, वो भी बहुत समय बाद। देखिए दर्शिल के ढूंढके वेल नाइस अन्ना, आई लाइक योर पेट। ठीक है भाई, हम करके भाई एक दिन में सब बने क्यों हंस रहे तुम, क्यों हंस रहे तुम? चलो भोपे और मान आ जाएंगे। और हाँ, और हो गया। हाँ अबे हाँ, अबे जल्दी जाओ, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो गाइस। हमने मान्य भोपे को बोला तुम जल्दी से घर जाओ, कपड़े पहन के, जब तक हम तुम्हारे वेट कर रहे हैं, हम उनके आने से पहले निकल जाएंगे, जिससे हमें उनको लेके जाना नहीं पड़े और हम खाली 4 लोग जा पाए। हम उनको बेवकूफ बना के भाग रहे हैं, फ्रैंक हो जाएगा उनके साथ। तो भाई फिर मेरे घर आके मेरी मम्मी पापा को परेशान करेंगे यार। अपन तो बोलेंगे जो ये बैल बजाए गेट खोल लेंगे। अरे फिर वो बैल ही बैल बजाते रहेंगे, यहाँ से बैल का स्विच ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, उनको कह देंगे अब तुम मेरे रूम में बैठ जाओ, वहाँ पे एंट्री नहीं हो रही थी, ऐसे बोलो तुम बैठो, हम अभी पास में खाना, हम 5 मिनट बाद हैं, फोन स्विच ऑफ कर देंगे। हाँ लौंडो, सब लौंडे बन चुके हैं, सेक्सी बन गए। नमन कहाँ जा रहे हैं ये बता दो, तो बल्लू के पास फोन किसका आ रहा है रात को? अयान का भाई, अयान का फोन आ रहा है। पक्का अयान ही है ना? अयान के नाम मुस्कुरा के कर रहे हैं। हाँ भाई हम निकल रास्ते में ही आ रहे हैं, 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। इस लड़की को बोल रहा है आने के लिए, इस भाई के पीछे किसी बहन का नकाब छुपा हुआ है यार। ये सब वो क्या बोलते हैं, ये भोपे और मानने के चक्कर में रुक गए थे, ये दोनों पागल है, पता नहीं कहाँ पहुंच गए, इनको लेने गए हम सुनसान रास्ते पे चले गए। तेरी आवाज नहीं आ रही भाई, तू पहुंच फटाफट। तो दोस्तों ये फटाफट सब भाई रेडी होके निकल रहे हैं अपने क्लब के लिए। क्लब में अपने भाई अयान भाई, परविंदर भाई, मान्य पहले से ही अपना वेट कर रहे हैं, तो सब भाई साथ में एंट्री लेंगे और भोकाल मचाएंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भाई मान्य और भाई परविंदर वहाँ कैसे पहुंच गए, तो इसकी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फिर हमें लास्ट में रियलाइज हुआ कि हमें इन लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों मैं बताता हूँ क्या हुआ, हमारा प्लान ये था कि हम फटाफट से तैयार होकर उनको बोल देंगे कि भाई हम आ रहे हैं,
तुम ऊपर बैठो और वो आते और हम आते रात को 1 बजे और वो घर पे बैठ के सो रहे होते और हम क्लब में पार्टी कर रहे थे। मतलब हम उनका पागल बनाना चाह रहे थे लेकिन फिर हमने सोचा यार ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे ही है यार, अपना दोस्त है, अब वो क्या है मतलब छोरीबाजी करेंगे दोनों तो फिर हम लोग क्या उनको पार्टी नहीं कराएंगे। सही बात, अगली बार से हम लोग छोरीबाजी करने से लेकिन लेकिन आज आप लोगों को दिख जाएगा कि क्लब में सबसे ज्यादा छोरियों को कौन ताड़ रहा है और कौन उनके साथ डांस करने के का मौका ढूंढ रहा है और वो आपको बिहाइंड द सीन में ये नहीं दिखेगा कि सच में डांस कर कौन रहा है। सलमान बॉय आ चुके हैं हमारी गाड़ी में, फुल डेमो बाजी। सलमान बॉय जिम से तैयार होके आया भाई, जिम से तैयार होता है भाई। हाँ भाई मैं जिम था, मैं जिम कर रहा था, मेरा वो बैग रखा पूरा जिम का भाई। यार तू मतलब पूरे दिन जिम करता रहता है, मतलब क्यों करता है तेरे जिम की क्या मोटिवेशन है? टाइम है ना टाइम, अब जैसे तुम जैसे लोग घर पड़े रहते हो फोन चलाते हो, मैं फोन नहीं कर रहा था। जितना तेरी जिम की फीस है ना उससे 10 गुना ज्यादा कमा लेता हूँ मैं महीने में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम सारे जिगरी यार यहाँ पे वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं जरा बताया है। मान्य और भोपे हमारे चीफ गेस्ट भोपे भोपे और अल्ट्रा प्रो चीफ गेस्ट मान्य मिठाई वैशाली नगर। यस यस, तो आए क्यों नहीं देखना क्या उनकी एंट्री लेजेंडर में होगी, लेजेंडर में फॉर्च्यूनर लेजेंडर के अंदर व्हाइट कलर की लेजेंडर। मैं कह रहा हूँ उनको आते पेल देते पकड़ के, बोलो इनके साथ प्रैंक कर देते हम नहीं आ रहे, अब तुम वापस घर आ जाओ। अच्छा बहुत अच्छा आइडिया है, वहाँ सीढ़ी में बैठ जाते हैं उधर उधर पीछे पीछे मेरी मेरी एन की एंट्री करा लो, तुम ये सब पढ़ते रहो, तुम दोनों की एंट्री करा दूँ? करा दे करा दे। अब आप लोग समझ रहे होंगे मैं कह रहा था बिहाइंड द सीन्स जो डांस करेंगे वो यही लोग लग रहे हैं मुझे। मतलब दोस्तों आप समझ रहे हो मतलब दर्शिल पेपर खत्म होने के बाद बहुत छूटते जा रहा है, छूटते निकलते जा रहे हैं, पहले ये पैक था पैक पर अभी छूटते जा रहे हैं। ये अब थोड़ा सा मानने जैसी हरकतें करता है भाई, मोइन की भी बहुत याद आ रही है। अगर आज मोइन हमारे साथ पार्टी में होता तो ये कांच के गिलास में कुछ और लेके खड़ा होता। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। है क्यों शांति? मोइन मोइन तुम्हें पता नहीं है क्या मोइन का मर गया? क्या हो गया भाई? हैं दोस्तों कमेंट्स में रिप मोइन लिख के जरूर जाना यार, मुझे बहुत दुख हुआ है देख के। मोइन की शक्ल एक बार आखिरी बार दिखा दो जनता को। ला भाई दिखा दो भाई, मोइन की शक्ल है जहां मोइन वहां मोइन का आत्मा कहाँ? मोइन की शक्ल भी गई है, मोइन के साथ उसकी शक्ल भी चले गई। मोइन की डांस की वीडियो है देखो भाई, मोइन का डांस देख लो आप सब। ओ वाह भाई मोइन का डांस, ये देखो दोस्तों मोइन कितना बढ़िया नाच रहा है, ये देख सकते हैं आप। मोइन हमारे फेयरवेल में हमारे भाइयों के लिए नाचा था। कहाँ पे पहुंचे? मतलब हम दिख नहीं रहे क्या? ओ भाई लेजेंडर, चलो चलो अगर इनको नहीं मारा ना तो तुम लोग मर्द नहीं हो आज, तुम लोगों को मर्दों की कसम है इनको मारो। क्या हो गया भाई मार रहे हो यार? बोले मारा नहीं मैं तो मारा नहीं, इसी ने नीचे मारा नहीं पर अब हो गया सीरियस डिस्कशन हो गया। आपको हो दोस्तों पार्टी करने के बाद में हम लोग आ गए यहाँ पे मैगी खरीदने के लिए क्योंकि रात को हमें बहुत तेज भूख लग रही है। हमें क्या भूख लग रही है प्यारे भोकाली बल्लू को भूख लग रही है भाई, जैसे दोस्तों को पता आज अपना भाई नमन आया है। क्या पैकेट कितने चाहिए? किस चीज के? जितने मैगी के 20 रुपए में जितने आए सारे, इतने में 20 नहीं है ये 110 है, 110 है इसमें जितने उतने लिए भाई। अपन जितनी भी रात को पार्टी कर रहे हैं अपन रात को मैगी खाते हैं, मैगी के अलावा कुछ खाते हैं? इतना खाया उसके बाद इतनी भूख लगती है यार, मन नहीं करता वहाँ पे नजारे देखने में खाना। कौन सा नजारा देख रहा था तू? सब लोग डांस वांस कर रहे हैं सब लोगों को देख रहे थे तू? भोपे का डांस देखना तो भोपे रिमिक्स सॉन्ग देखना मजा आ जाएगा सब। ले इतनी सारी मैगी ले आया है इतनी सारी। तो ये क्या हो रहा है? ये मैगी मैगी लेके कहाँ जा रहे हैं मेरे दोस्त? मैगी मैं ये क्या है? ये क्या है?
वो सब लोग क्या क्या ले जा रहे हैं, ये देखो कितनी भारी चीज ले जा रहे हैं, क्या क्या ले जा रहे थे, ये देखो ये मोटा पैसा, चलो 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 लेट्स गो, गोली मार, गोली मारो, ठीक है बहुत गोलियां मार ली, अंदर चलते हैं, अब गोलियां मारने का टाइम नहीं डालने का टाइम है, हैं हाँ मतलब वो रिफिल करेंगे ना बंदूक को, बंदूक के अंदर गोली, धीरे आना है, अरे धीरे 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 आवाज मत करना, मैगी दब गई उसकी, मैगी दब गई, अबे धीरे आना, आप लोग देख सकते हैं, हाँ धीरे बोलो धीरे बोलो, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया मैगी बन रही है यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ही पौष्टिक लग रही है, लड़ क्यों रहे हो, लड़ क्यों रहे हो, कि ये सब मेरे मैगी में ये सब मत डालना, मत डालिए, अरे मिर्ची मिर्ची सब डाल दी यार, भाई तुम लोग कलर का क्या करेगा तू यार, बन गई ना मैगी, ओए सॉरी मिर्ची वाली मैगी बनाएगा ये यार, बल्लू प्लीज मत कर यार, मत कर, मैंने डाल दी लिमिटेड उसमें डाल, अरे तुम लोग यार कुछ भी करते रहते हो, करते रहो यार साला, जा रहा हूं मैं तो कमरे में, यार दर्शन सुन मेरी बात, हाँ भाई ये दोनों पागल हो गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसी मैगी बना रहे हैं, साला मैगी के अंदर मिर्ची डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, सब कुछ डाले जा रहे हैं, गया उन्होंने तो यार फ्रिज से कोई चीज क्यूब्स पता नहीं स्लाइसेस में क्या क्या चीज निकाल के डाल रहे हैं, मैंने कहा खराब हो जाएगी, हाँ नहीं हमारे यहाँ ऐसी बनती है, अरे मैं ना इनको इनके यहीं भेज दूंगा जहाँ पे रहते हैं ना साला, वहाँ पे बनती होगी, ये सब मेरे घर पे नहीं बनता, ये सब मेरे को पसंद नहीं है, मैं सिंपल मैगी खाता हूँ, उसके अंदर बटर डालता हूँ बस। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा सारा मित्रगण यहाँ पे जमा हो गया है इस सड़ी सी मैगी को खाने के लिए, जिसके अंदर पता नहीं क्या, बहुत अच्छी मैगी है ठीक है ना, अच्छा अच्छा पता नहीं क्या क्या डाल के लिया है साले इसके अंदर, भाई सिर्फ प्याज और जो तूने बोला था ना वही लेके आया, थोड़ा एक एक्स्ट्रा प्याज डाल के, हमने कहा था प्लेन मैगी जो, हाँ तो एक्स्ट्रा प्याज ही तो है बस और क्या है, हाँ मैंने देखा वो जो तुम मिर्ची डाल रहे थे भाई, ये है ये सब कुछ इसने डाला, लेकिन डल तो गया ना, अब देख दर्शन सुन मेरी बात, डाला किसी ने भी हो डल तो गया ना, बस डल गया ना, अब दिक्कत हो गई, बता कैसी बनी ठीक है ना, ठीक है मैं और दर्शिल हम दोनों जज, ठीक है लो पकड़ो कैमरा पकड़ो, तो दोस्तों हम लोग आज यहाँ पे आ गए हैं जज करने, हम लोग जज करेंगे इस मैगी को, हल्का सा एसेंस मुझे आ रहा है स्मोकी फ्लेवर, ये जो है मैगी है मेरे को बहुत ही कड़क लग रही है, साउथ इंडियन का मुझे इसमें स्वाद सी लग रही है, जैसे कि आपने कद्दू की सब्जी खाई होगी, जिसमें सब कुछ डाल देते हैं पूरा, वो मीठा मीठा स्वाद आता है, सेम ऐसा, छी यार क्या है ये मैगी, यार तुम लोग क्या पागल वागल हो गए, कुछ भी डाले जा रहे हो भाई, भाई इसकी है सब, मैंने एकदम प्लेन मैगी बनाई थी सब, अच्छा प्लेन छोड़ो भाई, पता नहीं क्या, व्लॉग बंद करो मैं मूड खराब हो गया।